सो फ्रेंड्स वेलकम माय चैनल। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि फॉर्मिंग टूल में फॉर्मिंग कैसे होता है। कोई भी पार्ट अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि फॉर्मिंग पार्ट कैसे होता है, फॉर्मिंग टूल क्या होता है, कैसे होता है, मतलब सब कुछ हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हम बताएंगे, अगर पता है तो आपको और ईजी रहेगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिससे कि जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि फॉर्मिंग टूल क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है और इसमें कैसे चलता है। तो फ्रेंड्स चलिए सब कुछ हम आपको बताएंगे, एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फॉर्मिंग टूल में क्या क्या प्रॉब्लम आता है और कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स एक देखते हैं छोटा सा वीडियो क्लिप, उसके बाद चलते हैं आपको हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद बताएंगे कि फॉर्मिंग टूल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट होते हैं जर्नली, तो सब ये कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा कि फॉर्मिंग टूल क्या होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स देखिए जो मेरे हाथ में पड़ा हुआ है फॉर्मिंग टूल का ही पार्ट है, जो फॉर्मिंग हो रहा है आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो सारा पार्ट पड़ा हुआ है फॉर्मिंग टूल के ही बात हो रहा है। अभी फॉर्मिंग टूल आपके सामने चल भी रहा है, ये दूसरा डाई है, दूसरा टूल है, लेकिन है फॉर्मिंग टूल का ही। और आपको देखना ये है कि फॉर्मिंग टूल कैसे फॉर्मिंग करता है किसी पार्ट को, बस आपको ये पकड़ना है। उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आता, इसमें जो पंचेस लगे हुए हैं इनमें हल्का सा स्कोरिंग आता है जिससे कि पार्ट डैमेज हो जाता है, स्कोरिंग मार्क आता है। वैसे आपको मैं बता दें फॉर्मिंग टूल जो होता है वो पार्ट को केवल फॉर्म करता है, जैसे कि जो नहीं हुआ रहता वो बनाता है। फॉर्मिंग टूल में यही होता है कि देखिए आपको मैंने दिखाया पार्ट फॉर्मिंग का भी और फॉर्मिंग के बाद भी दिखाया, अगर आपको उसमें नहीं समझ में आया है तो आप पूरा वीडियो देखिए एक बार। अगर आपको समझ में आया हो कि फॉर्मिंग टूल में क्या क्या प्रॉब्लम आता है तब तो सही है, अगर ना समझ में आया है तो एक बार दोबारा और आप वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगी फॉर्मिंग टूल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो नेक्स्ट वाला वीडियो है आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।